नमस्कार मित्रों, हमारे चैनल भक्ति का सागर में आपका स्वागत है। इस चैनल को शुरू करने का उद्देश्य हमारी वर्तमान और भावी पीढ़ी को हमारे सनातन धर्म से अवगत कराना और हमारे धार्मिक विचारों और धारणाओं को आगे बढ़ाना है। इस कड़ी में आज हम आपको महाभारत से संबंधित एक प्रसंग से अवगत कराएंगे। हजारों वर्ष पूर्व लिखी गई महाभारत आज के समय में भी उतनी ही प्रासंगिक है, यह आपको इस वीडियो को देखकर आभास होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। यह प्रसंग उस समय का है जब दूत क्रीड़ा में अपना सर्वस्व हारने के पश्चात पांडव वनवास के लिए जा रहे थे। उस समय युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण से पूछा कि हे प्रभु, द्वापर युग अपने अंतिम चरण में है, आने वाला युग कैसा होगा? उस युग में रहने वाले मनुष्यों की विचारधारा, आस्था और कर्म कैसे होंगे? कृपया हमें बताइए प्रभु। तब भगवान श्री हरि एक मधुर स्मित देते हुए पांडवों से कहते हैं कि तुम सब वन गमन करो और वन से वापस आने के पश्चात मुझे बताओ कि तुम सब ने वहाँ क्या क्या देखा। उसके पश्चात मैं तुम सभी के प्रश्नों का उत्तर दूंगा। तत्पश्चात पांडव वन चले जाते हैं। वन में पहुंचकर वे अलग अलग दिशाओं में प्रस्थान करते हैं और वे सभी वन में जो देखते हैं उन दृश्यों को देखकर वे आश्चर्यचकित हो जाते हैं और संध्या होने पर वे श्री कृष्ण के पास वापस आते हैं और वन में उन्होंने जो कुछ भी देखा था वो श्री कृष्ण को बताने लगते हैं। सर्वप्रथम युधिष्ठिर श्री कृष्ण को बताते हैं कि वन में भ्रमण करते हुए उन्होंने एक हाथी को देखा जिसके दो सूंड थे। ऐसा हाथी उन्होंने अपने जीवन में पहले कभी नहीं देखा था, इसलिए उसे देखकर युधिष्ठिर को बहुत आश्चर्य हुआ। इसके पश्चात अर्जुन बोले, हे प्रभु, मैंने वन में एक पक्षी को देखा जिसके पंखों पर वेद की ऋचाएं लिखी हुई थी, किंतु वह एक मृत पशु के मांस का भक्षण कर रहा था। अर्जुन के बाद भीम श्री कृष्ण से बोले, हे कृष्ण, मैंने एक गाय देखी जिसने एक बछड़े को जन्म दिया और जन्म के पश्चात ही वह अपने बछड़े को इतना चाटने लगी कि वह लहू लुहान हो गया। हे प्रभु, कोई माँ अपनी संतान के साथ ऐसा कैसे कर सकती है? इसके बाद सहदेव ने श्री कृष्ण से कहा, हे वासुदेव, मैंने वन में एक जगह 6-7 कुएं एक साथ देखे। आसपास के सभी कुएं जल से भरे थे, परंतु बीच का कुआं गहरा होते हुए भी सूखा पड़ा था। मुझे यह बहुत ही विचित्र लगा। इसके पश्चात श्री कृष्ण ने नकुल से पूछा कि नकुल, तुम बताओ, तुमने वन में क्या देखा? नकुल ने कहा, हे नारायण, मैंने देखा कि एक पर्वत पर से एक विशाल शिला लुढ़कती हुई निरंतर नीचे की ओर आ रही है। रास्ते में अनेक वृक्षों को धराशायी करती हुई वह निरंतर नीचे गिरती ही जा रही है, पर विशाल वृक्ष और शिलाएं भी उसे रोकने में असमर्थ हैं।
परंतु एक छोटे से वृक्ष के स्पर्श मात्र से ही वह विशाल शिला स्थिर हो गई। मेरे लिए यह बहुत ही आश्चर्यजनक था। तब युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण से कहा, हे वासुदेव, हम पांचों भाइयों ने वन में जो कुछ भी देखा आपके सम्मुख हमने उसका वर्णन कर दिया। कृपया अब आप हमें इसमें छिपे अर्थ को समझाइए। श्री कृष्ण ने कहा, हे भ्राता युधिष्ठिर, आपने दो सूंड वाले हाथी को देखा, जिसका अर्थ है कि कलयुग में ऐसे मनुष्य बहुतायत की संख्या में होंगे जिनका दो स्वरूप होगा, अर्थात उनकी वाणी और विचार में कोई साम्यता नहीं होगी। वे बोलेंगे कुछ, लेकिन उनके मन में कुछ और विचार होंगे। वे अपने परिजनों के साथ मधुर संवाद करेंगे, परंतु मन में उनका अहित विचारेंगे और उनके प्रति बैर भाव रखेंगे। फिर श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे पार्थ, तुमने वन में एक पक्षी को देखा जिसके पंख पर वेद की ऋचाएं लिखी थी, परंतु वह एक मरे हुए पशु का मांस खा रहा था, अर्थात कलयुग में ज्ञानी माने जाने वाले व्यक्ति भी पाशविक प्रवृत्ति वाले होंगे। धर्म का ज्ञान होते हुए भी वे पंच विकारों से ग्रसित होंगे और अधर्मपूर्ण आचरण करेंगे। ज्ञानी होते हुए भी वे लोभ, काम, क्रोध और मोह से ग्रसित होंगे और उनके मन पर उनका अंकुश नहीं होगा। श्री कृष्ण भीम से कहते हैं, हे भ्राता भीम, आपने देखा कि एक गाय अपने बछड़े को इतना चाटती है कि वह लहू लुहान हो जाता है। इसका अर्थ यह है कि कलयुग में माताएं अपनी संतानों को इतना अत्यधिक प्रेम देंगी कि वह प्रेम उनकी संतानों के कष्ट का कारण बन जाएगा। माताएं अपनी संतानों को आवश्यकता से अधिक प्रेम देंगी, किंतु उनकी संतानों को संस्कार नहीं देंगी। संस्कारों के अभाव में उनकी संतानें कुमार्ग पर चलने लगेंगे और उनका पतन हो जाएगा। अर्थात माता का प्रेम ही संतान को विनाश के मार्ग की ओर ले जाएगा। भीम की जिज्ञासा शांत करने के पश्चात भगवान श्री कृष्ण सहदेव से बोले, हे सहदेव, तुमने वन में 6-7 कुएं एक साथ देखे थे। सभी कुओं में पानी था, परंतु एक कुआं खाली था। इसका अर्थ है कि कलयुग में घोर सामाजिक असमानता देखने को मिलेगी। एक ओर जहां भव्य महल होंगे, वहीं दूसरी ओर लोग सड़कों पर रहते नजर आएंगे। कुछ लोगों के पास कुबेर के भंडार के जितना धन होगा, वहीं कुछ लोग धन के अभाव में मर जाएंगे। कुछ लोग अन्न का संग्रह करेंगे तो कुछ अन्न के एक एक दाने को तरसेंगे। धनी व्यक्ति निर्धनों की कोई सहायता नहीं करेंगे। सामाजिक असंतुलन अपनी चरम सीमा पर होगी। इसके पश्चात श्री कृष्ण ने नकुल की ओर देखते हुए कहा कि हे नकुल, जैसा कि तुमने देखा कि एक विशाल शिला नीचे गिर रही है और बड़े बड़े वृक्ष और शिलाएं भी उसको नहीं रोक पा रहे हैं, किंतु एक छोटे से वृक्ष के स्पर्श मात्र से शिला स्थिर हो जाती है, अर्थात कलयुग में मनुष्य का मन चंचल होगा और उसके चरित्र का पतन होगा।
मनुष्य का मन, उसके विचार नीचे गिरते ही जाएंगे और उसके पतन को न ही संबंधों का वृक्ष रोक पाएगा, न ही धन और सत्ता की शिलाएं, परंतु हरि नाम के भजन मात्र से ही मनुष्य का पतन रुक जाएगा। अर्थात कलयुग में जो व्यक्ति प्रभु नाम का स्मरण करेगा, उसके जीवन के सभी कष्ट दूर हो जाएंगे, उनका मन निर्मल और विकार मुक्त हो जाएगा। तो मित्रों, अब आपको यह विश्वास अवश्य हो गया होगा कि महाभारत, जो कि हजारों वर्ष पूर्व लिखी गई है, आज भी उतनी ही प्रासंगिक है, क्योंकि तब भगवान श्री कृष्ण द्वारा कही गई प्रत्येक बात आज के समय में 100% सत्य सिद्ध हो रही है। तो आप सभी से भी निवेदन है कि प्रभु नाम का स्मरण कीजिए और अपने जीवन को भक्ति के मार्ग की ओर अग्रसर कीजिए। तो इसी संदेश के साथ आज की कथा को विराम देते हैं। ऐसे ही और भक्ति प्रसंगों को सुनने के लिए हमारे चैनल भक्ति का सागर को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और हाँ, कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। जय श्री कृष्ण।